हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स भरे हुए थे, लेकिन जो आज का एपिसोड है ना वाकई में बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि इसमें भर भर के फाइटिंग सीन्स दिए हुए हैं और मे भी हो सकता है कि ये इस सीजन का हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आपको फिर से बता दूँ, वीडियो ज़रा से भी आपको पसंद आई होगी ना तो इसे ज़रूर से लाइक कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम वूरेन को देखते हैं जो अभी ये सोचते हुए सरप्राइज था कि आखिर उसकी ये लव में स्किल्स कितनी देर तक रह सकती है। निशाओ पर अब भी उसका जादू चला हुआ है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था कि निशा वूरेन को मारना चाहती थी लेकिन उसकी फीलिंग्स के कारण वो उसे मार नहीं पाती। इधर दूसरी ओर इसके क्लासमेट भी ये देख के हैरान रह जाते हैं कि जो फीमेल कल्टिवेटर निशाओ इतनी खतरनाक है। तो अचानक से उसे क्या हो जाता है जो उसने अपने इस अटैक को रोक लिया और यहाँ से वापस चली गई। आगे सूजी यहाँ वूरेन के पास आके पूछती है कि उस फीमेल कल्टीवेटर को आखिर क्या हुआ, वो इस तरह से यहाँ से क्यों चली गई। जिस पे वूरेन, जैसे कि हम उसे जानते हैं कि वो अपनी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता, यहाँ उसे कहता है कि लगता है कि वो मेरे चार्म से मनमोहित होकर यहाँ से चली गई। जिस पे सूजी कहती है कि अभी उस चार्म के बारे में मत सोचो, हमारे सामने जो इतना बड़ा भयानक वाला स्टॉर्म आ रहा है ना उसे देखो। ये हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बीस्ट होते हैं वो बैटल सिटी की तरफ पहुंच ही चुके होते हैं और उनमें से कुछ अब भी इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। पहले तो इन लोगों ने वुल्फ किंग को हरा दिया था लेकिन अब गोरिलों की फौज इनकी तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। उन्हें आते हुए ये पांचों डिसाइड करते हैं कि हमें किसी भी तरह से इन बीस्ट को यहाँ पे रोकना होगा। यहाँ लिंथियानन सबसे कहता है कि इन बीस्ट की संख्या इतनी ज्यादा है कि इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, तो हमें जल्द से जल्द करनी होगी क्योंकि हो सकता है इन बीस्ट के साथ इनके पीछे कोई और आ रहा हो। इस पर वूरेन कहता है कि अगर हम इन सब बीस्ट का यहाँ सामना करने बैठ जाए तो इसका परिणाम यही होगा कि हमें अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। आगे वो कहता है कि करंट सिचुएशन के हिसाब से अभी हमारे पास कोई भी सपोर्टिंग टीम नहीं है। जिस पे सूजी कहती है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारी ये सिचुएशन एकदम टर्न आउट हो जाए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक गोरिला बीस्ट आता है जिसके गले में कुछ होता है, जिसे देख के वो लोग समझ जाते हैं कि ये जो गोरिला बीस्ट है वो उन चार डेमन किंग्स के लेजेंडरी में से एक है। अब ये जो चार डेमन किंग्स होते हैं इनमें से दो को तो हम पहले ही देख चुके हैं, तीसरा होता है जो उस ड्रैगन किंग के स्क्वाड में से एक होता है। अब वो गोरिला इतनी तेज दहाड़ मारता है कि ये लोग यहाँ समझ जाते हैं कि यहाँ इससे फाइट करने से अच्छा है कि अभी हम अपनी डिफेंस पावर का यूज करें। वूरेन यहाँ सबसे कहता है कि सारे लोग अपनी अपनी डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लो। और यहाँ वो गोरिला गाइस वाकई शानदार लग रहा होता है। वो तेजी से आते हुए जी पे अटैक करता है लेकिन हम देखते हैं कि चेन अपने उस बिल प्रोटेक्टिव शील्ड से उसे प्रोटेक्ट करता है लेकिन ये शील्ड कुछ काम नहीं करती और उस गोरिला के पंच के आगे टूट जाती है। जी यहाँ पे हर्ट हो जाता है और बाकी लोगों को भी ये एहसास हो जाता है कि ये जो डेमन है वो एडवांस लेवल पे है और अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो बाकी के इसके जो बीस्ट गोरिला पीछे से आ रहे हैं वो खुद ब खुद बैकआउट कर लेंगे। आगे वूरेन यहाँ सबको ऑर्डर देता है कि अपनी होली स्प्रिट को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर दो, अब मेरी बारी है इसे फाइट करने की। तभी हम देखते हैं कि वूरेन जिसके पास वो शील्ड शॉट होती है उसे उस गोरिला के सामने आगे कर देता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि वूरेन ने जानबूझ करके इस डिफेंसिव शॉट को चूज किया था, इसमें इसे फाइट करने से ज्यादा पावर इसकी डिफेंस सिस्टम की होती है क्योंकि यही शॉट उस गोरिला के अटैक को आसानी से डॉच कर पाता है। अब वूरेन के पास खुद के तो शॉर्ट शील्ड होती है लेकिन चेन उसे अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड से कवर करता है और आगे हम देखते हैं कि इन दोनों शील्ड के कवर होते ही वो गोरिला बेस्ट लगातार उस पे पंच करने लगता है। लेकिन यहाँ वूरेन ये समझ जाता है कि उसकी ये शील्ड इस गोरिला के लगातार पंचों से अब टूटने ही वाली है और यहाँ वो काउंट डाउन शुरू करता है कि अब उसके पास सिर्फ 10 सेकंड्स ही बचे हैं। यहाँ वूरेन उससे सिर्फ डिफेंस करने की सोचता है क्योंकि गोरिला सिर्फ अपनी माइटी पावर का यूज कर रहा होता है, इसके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं होती। वो गोरिला से इतने ज्यादा पंचेस मरवाता है ताकि वो एक पॉइंट पे आके एग्जॉस्ट हो जाए। अब जैसे ही यहाँ पे काउंट डाउन खत्म होता है, गिनती 1 पे रुकती है और वो शील्ड टूटने ही वाली होती है कि हम देखते हैं कि वूरेन अपने सिस्टम को ऑन करता है जहाँ वो उसे एक डाइस थ्रो करने के लिए बोलता है। पासा जैसे ही पलटता है यहाँ वूरेन को एक और स्किल मिलता है जहाँ जिस पे लिंग लॉन्ग उससे बताती है कि अब की बार होस्ट को एक स्मॉल स्किल मिली है जो स्किल नंबर 17 है, ये सिर्फ 1 घंटे तक ही काम कर पाएगा और इस स्किल का नाम होता है शाय आयरन फिस्ट, जिसमें अपने ओपोनेंट को अटैक करने से पहले थोड़ा शर्माना होगा। तुम्हें शर्माते हुए उस पर अटैक करना होगा तभी इसकी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस पे वूरेन उसे कहने लगता है कि लिंगलॉन्ग तुम्हारे स्किल्स तो दिन ब दिन और भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तो मैं बिजी हूँ लेकिन इसका सेटलमेंट मैं तुम्हारे साथ जरूर करूंगा क्योंकि तुमने मुझे अपने स्किल से काफी ज्यादा शर्मिंदा किया है।
अभी सिस्टम के तो यही फीचर्स होती हैं कि ये एक ऐसा स्किल देती हैं जो इफेक्टिव तो होती हैं, लेकिन वोरन को इनका यूज करने के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट को फेस करना होता है। आगे हम देखते हैं कि उस गोरिल्ला के लगातार पंचों से वो शील्ड टूट जाती है और अब वो गोरिल्ला तेजी से वोरन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ वोरन की जो हरकतें होती है वो छैल छबेली की जैसी बन जाती है। इधर वोरन भी शर्माते हुए उस गोरिल्ला की तरफ बढ़ रहा होता है। सारे के सारे उसके टीम मेट उससे कह रहे होते हैं कि तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो, वहां से भाग जाओ वोरन। लेकिन वोरन उसे कहता है कि अब डरने की क्या बात है, अब मैं अपने स्किल को एक्टिवेट करता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि वोरन शर्माते हुए एकदम गोरिल्ला को प्यार से टच करता है, फिर उसे एक जोरदार पंच मारता है और उससे कहता है कि तुम तो काफी रूड हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। और ये सीन बहुत फनी होता है गाइस। उसके सारे टीममेट तो सोच रहे होते हैं कि ये वोरन को अचानक से क्या हो गया। यहाँ सूजी उसे देखते हुए कहती है कि लगता है वोरन में फिर से कोई अजीब सी स्किल आ गई है। यहाँ जी उसे कह रहा होता है कि वोरन क्या तुम्हें कोई हवा ने यहाँ इन्फेक्ट कर दिया है, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। कि तभी हम देखते हैं कि वो गोरिल्ला गुस्से से अपनी एनर्जी को जनरेट करता है और वोरन पे अटैक करने वाला होता है कि तभी वोरन मात्र उसे टच करता है और उसके टच करते ही वो गोरिल्ला वहाँ औंधे पड़ा होता है। ये देख के जी भी यहाँ सरप्राइज रह जाता है कि आखिर वोरन में कौन सी ऐसी स्किल है जिसके मात्र एक टच से ही वो गोरिल्ला वहाँ पे गिर गया। जरूर वोरन के पास ऐसा कोई सीक्रेट है जिसे वो हमसे छुपा रहा है। दूसरी तरफ जो सूजी होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है ये कहते हुए कि मैं अब इस फाइट को नहीं देख सकती, नहीं देखा जाएगा मुझसे। जिस पे वोरन वहाँ एकदम महीन आवाज में उनसे कहता है कि मैंने तुम सबसे कहा ना कि ये मेरी स्किल है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, तो तुम लोग मुझसे यहाँ कंप्लेन नहीं करो, और वैसे भी ये स्किल सिर्फ एक घंटे के लिए है, तो यहाँ से जल्दी से भागो। कि तभी यहाँ वोरन छैल छबीली की तरह दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसके टीममेट भी उसे फॉलो करते हैं, लेकिन अब भी वो गोरिल्ला बीस्ट मारा नहीं था, वो अब भी उनका पीछा कर रहा होता है, उस बीस्ट फिर इसका शिकार बन जाए। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। सो गाइज आप लोगों को ये वीडियो आज की कैसी भी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और भी ज्यादा एडवेंचर होने वाला है। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक एंड शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टेक केयर, बाय।